वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज मेरे पास एक डीवीआर की 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की सप्लाई आई है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये वोल्टेज को प्रॉपर स्टैंड नहीं कर पा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कर रही है और इसमें जो वोल्टेज है वो बन रही है लेकिन कम बन रही है। मैं आपको वोल्टेज को भी मेजर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कर रही है और कॉन्स्टेंट नहीं है। और अगर मैं आपको उसकी वोल्टेज को मेजर करके दिखाऊँ तो मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे रख लेता हूँ और आप देखेंगे जब मैं इसको इनपुट कर रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया है और एलईडी ब्लिंक कर रही है और यहाँ पे 3 वोल्ट कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे मुझे 12 वोल्ट या उससे 1 वोल्ट के करीब ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इसको हमने कैसे रिपेयर करना है और इसका मेजरमेंट मैं आपको दिखाऊँ। सिक्योर आई की हमारी सप्लाई है और मॉडल है S-5B और इसका अगर मैं आउटपुट दिखाऊँ तो आप देखेंगे 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का आउटपुट है इसका, जबकि मुझे आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 3 वोल्ट मिल रहा है। और मैं आपको दिखाऊं एसी कनेक्ट करके, यहाँ पे देखेंगे हमें 220 वोल्ट एसी में मिल रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे रिपेयर करना है और मैं चाहता हूँ कि आप टेक्निकल स्किल से जुड़िए, आप किसी भी तरीके के हुनर को सीखिए, चाहे वो आपका लैपटॉप रिपेयरिंग हो, प्रिंटर रिपेयरिंग हो, मोबाइल रिपेयरिंग हो, या SMP सप्लाई रिपेयरिंग हो, या LED TV रिपेयरिंग, या किसी भी प्रकार का हुनर हो। अगर आप टेक्निकल स्किल सीखते हैं तो आप अपने लिए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, 1000 रुपए से 2000 रुपए प्रतिदिन कमा सकते हैं, जबकि आप अच्छे खासे एजुकेटेड होने के बाद भी आप प्रतिदिन इतने रुपए नहीं कमा सकते हैं। और आप हुनर सीखिए, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स चला रहे हैं। तो मैं ऑनलाइन कोर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके डेमो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे हमें रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दूंगा और इसको खोलूंगा और देखिए इसमें बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है और इस तरीके की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ एक और सप्लाई में। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रू खुलने के बाद हमारी जो सप्लाई है वो नॉर्मल खुल जाएगी, देखेंगे, देखिए ये हमारा खुल गया। और इस तरीके की प्रॉब्लम में अधिकतर देखा गया है कि जो हमारा प्रीसेट है वो खराब हो जाता है, तो मैं इस प्रीसेट को रिप्लेस करने वाला हूँ और इसके लिए देखेंगे यहाँ से मैं इसको खोल लेता हूँ। देखिए ये मेरा खुल गया है और ये जो है मैंने संभाल के रखना है, क्योंकि जब मैं पैक करूंगा तो जो मेरे मॉस्फेट है मतलब STR है वो हीट सिंक के साथ कस के लग जाते हैं। और देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको भी खोल लेते हैं। और इस सप्लाई में मुझे ऐसा कुछ चेक नहीं करना है कि इसका प्राइमरी सेक्शन ओके है या कि नहीं, क्योंकि आउटपुट तो बन रही है। तो यहाँ पे देखा गया है कि ये प्रीसेट अधिकतर खराब हो जाता है, तो अगर मुझे सिर्फ चेक करना है तो मैं जो प्रीसेट की 3 लैग हैं जिसमें से कि 2 कॉमन है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इनको शॉर्ट करता हूँ और पहले चेक करता हूँ कि क्या मेरा आउटपुट प्रॉपर हो रहा है। देखिए आप देखेंगे प्रीसेट की 3 लैग हैं जिसमें से कि 2 लैग हमारी कॉमन है, तो मैं क्या काम करता हूँ, प्रीसेट को शॉर्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रीसेट को शॉर्ट कर दिया है और अब मैं इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करता हूँ कि क्या मेरी वोल्टेज कांस्टेंट हुई। देखिए यहाँ पे मैं लाइन देता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे जो LED मेरी अभी ब्लिंक हो रही थी वो कांस्टेंट हो गई है। और अब मैं इसका आउटपुट चेक कराता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट के रूप में मुझे ये AC पे है, देखिए यहाँ पे मुझे 13.84 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि 13.84 वोल्ट मिल रहा है। और अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, इस प्रीसेट को रिप्लेस करूँगा ताकि मैं इसकी जो वोल्टेज आउटपुट है उसको फिक्स कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं इस प्रीसेट को निकाल लेता हूँ और इसको नया लगाता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे प्रीसेट को मैं किस तरीके से रिमूव करता हूँ। देखिए यहाँ से मेरा प्रीसेट निकल गया है। और यहाँ पे प्रीसेट को मैं रिप्लेस करूंगा और आपको दिखाऊंगा ये कितने वैल्यू का है। देखिए 201 लिखा हुआ है इस पे
और इसको हम एडजस्ट करके इसकी जो वोल्टेज है उसको फिक्स कर पाएंगे 12 वोल्ट पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रैप पड़ा हुआ है, देख सकते हैं कवाड़ में है, तो ये प्रीसेट को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। देखिए यहाँ से प्रीसेट निकल गया है और इस प्रीसेट को मैं इसमें लगा दूंगा, क्योंकि मैं उस प्रीसेट को एडजस्ट करके भी देखा मैंने, तब भी मेरी जो वोल्टेज है फिक्स नहीं हुई। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रीसेट को लगा दिया है, उसकी अच्छे से सोल्डिंग कर लूंगा मैं। देखिए मेरा सोल्ड हो गया है और इतने से काम में मेरी प्रॉब्लम केवल इस प्रीसेट की थी। तो अभी मैं दोबारा लाइन चालू करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी वोल्टेज पहले शॉर्ट करने पे कांस्टेंट हुई और अब प्रीसेट लगाने पे कांस्टेंट हो गई है, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। और देखिए मैं इसके आउटपुट वोल्टेज को मेजर करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे मेरी 11.40 वोल्ट दिखा रहा है। मैं थोड़ा प्रीसेट को बढ़ाता हूँ ताकि मैं इसकी जो आउटपुट है प्रॉपर 12 वोल्ट पे फिक्स कर पाऊँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको 12 वोल्ट और थोड़ी सी 0.11 वोल्ट ज़्यादा दी है, यानी कि अब मेरी जो सप्लाई है वो ओके हो गई है। और मेरे स्टूडेंट के लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चिप लेवल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं अपने कोर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके उनको देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।